गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं बाउंस ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो महक रहती है वो सारे अरेंजमेंट्स करती है, और अब आरुषि को बचाने के लिए वो लोग उस क्लब में जाते हैं। तब यहाँ पर जो हमारी युक्ति रहती है उसकी थोड़ी सी लड़ाई झगड़े करण से हो जाते हैं, क्योंकि वो आरुषि को प्रिवेंट कर रही रहती है, आरुषि के लिए प्रोटेक्टिव रहती है। इस चक्कर में वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और महक आकर बीच में उन चीज़ों को, फाइटिंग को शॉर्ट आउट करती है। पर इसी ड्यूरेशन पे जो हमारी मायरा रहती है उसकी ड्रिंक को स्पाई कर देता है अक्षय, और उसके साथ वो थोड़े से मोमेंट्स बिताने की कोशिश करता है। फिर बाद में महक जो रहती है मायरा को लेके रूम पर आती है और उन दोनों के बीच में थोड़े से मोमेंट्स हो जाते हैं, और जहाँ पर जो महक रहती है खुद को कंट्रोल करती है और कहती है कि किसी की भी इस स्टेज पर फ़ायदा उठाना सही नहीं होता है। अगर उसे होगा तो वो, अगर मुझे खुद होके किस करती है तो दैट्स ओके। लेकिन जब वो कॉलेज में जाती है और स्टूडेंट काउंसलिंग के रूम पर रहती है, तो वो बहुत गुस्से से अक्षय से लड़ाई करती है और अक्षय को चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने मेरी मायरा के साथ ऐसा करने की कोशिश भी करी। द वर्ड्स व्हेन इट्स कम टू द मायरा, युक्ति इज़ वेरी कंसर्न। और फिर युक्ति महक को लेकर बाहर की तरफ जाती है। अब उसके आगे वो से पूछती है कि ठीक है, गुस्सा मत कर, जो अक्षय ने किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। तो कहती है ऑफकोर्स यार, किसी लड़की के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं रहता है, महक काफ़ी गुस्से में कहती है। तभी युक्ति कहती है ओके, बट मेरी मायरा क्या होता है? तो कहती है यार दोस्त है मेरी। तो कहती नहीं नहीं, दोस्त तो मैं भी तेरी हूँ, लेकिन मेरी युक्ति तेरे मुँह से कभी नहीं निकला। तेरा ये निकलता है मेरी दोस्त युक्ति या युक्ति, बस कभी मेरी मायरा टाइप तो नहीं निकला, बता समथिंग इज हैपन। तो बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी वो उसको ट्रिकल करने लग जाती है, वो कहती है अरे छोड़ ना यार, क्या कर रही है? तो कहती है बता रही है कि नहीं, सच सच मुझसे मत छुपा, तुम लोगों ने ना जो तुम्हारे बीच में हो रहा है उसका आगाज़ मुझे बहुत पहले से था, ठीक है ना? जब तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता था ना, तब भी मेरी दूर की नज़र ने सब कुछ कर लिया था, बस पता नहीं मैंने ये चश्मा क्यों लगा के रखा है। बस मेरी आँखें थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन मेरा इंट्यूशंस कभी गलत नहीं होते। ओके नाउ टेल मी मैक, कुछ हुआ है? तो मैं कहती है वो लास्ट नाइट वी किस्ड ईच अदर। आह दैट्स ग्रेट, दैट इज अमेजिंग, तो सब कुछ शॉर्ट आउट, देन यू कन्फेस योर लव। मायरा कन्फेस दैट कि शी लाइक्स मी, शी लव्स मी, बट यार वो ड्रंक थी यार। तो कहती है हाँ तो ड्रंक थी तो क्या हुआ, अभी लड़की अगर खुद से होकर कुछ चीज़ें बोल रही है तो वो, उसका ड्रंकिंग उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इट्स मीन्स कि उसके मन में फीलिंग्स है तभी तो। और वैसे भी तुमने कहावत नहीं सुनी है क्या महक, इंसान जब ड्रंक रहता है तभी वो बहुत सी चीज़ें रियलिटी में कहता है, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है नहीं यार मुझे ठीक नहीं लगा, मतलब सुबह मॉर्निंग में उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल रात को जो हमारे बीच में हुआ, आई मीन किस हुआ ये, बस तो उसे वो कुछ भी याद नहीं है। तो अभी मैं कैसे समझूं कि वो उसका मेरे लिए लव है या क्या है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहती है। तभी युक्ति कहती है स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ हर ना, अगर तू टाइम स्पेंड कर रही है और वो तेरे साथ वही फीलिंग्स, वही आंखों से और वही सब कुछ देख रही है, इट्स मीन्स कि उसके मन में सब कुछ है, बस तुझे थोड़ा सा स्टेप अप करना है और हो जाएगा। तो कहती है ऐसा क्या? तो कहती है कि हाँ। तभी वहाँ से आरुषि चिल्लाती है युक्ति युक्ति, तभी युक्ति एकदम से टर्न होके बोलती है कि आरुषि बुला रही है मुझे, तो मैं चलती हूँ तो तू जा। तभी वो एकदम से महक उसका हाथ पकड़ के बोलती है युक्ति एवरीथिंग इज शॉर्ट आउट बिटवीन यू एंड आरुषि। तो युक्ति कहती है नो, नथिंग इज शॉर्ट आउट बिटवीन मी एंड हर, शी इज़ अ सच अ डम्बो, टॉपर होने के साथ ना बाहर का उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, शी इज अ सच अ डम्बो, ये करण के साथ जा कैसे सकती है, इसे समझ में नहीं आया क्या कि करण इज नॉट अ नाइस पर्सन, और चलो वो तुम्हें अप्रोच कर रहा है तो वो एज अ क्लब के लिए लेके जा रहा है, यार उसका इंट्यूशन हमेशा से गलत ही होंगे। मुझे काफ़ी गुस्सा हूँ मैं उससे, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रही। तभी मैं कहती है तेरी, वैसे तो तेरी दूर की नज़र या तेरे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहते हैं, है ना, बट कभी कभार ये इंट्यूशंस खुद पे भी लागू कर लिया कर, तो तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब खुद भी मिल जाएंगे। यू आर मोर प्रोटेक्टिव फॉर हर, एंड जहाँ पर मेरी मायरा निकला था यहाँ पर मेरी आरुषि भी हो सकता है। ये बोलकर महक बोलती है चल, बुला रही है वो तुझे। युक्ति कहती है कुछ भी, तो कहती है कि ओ कुछ भी,
ओके, ये सवाल मैं तुझसे बाद में पूछूंगी। राइट नाउ मुझे अभी बहुत सारे काम है, मैं जा रही हूँ। यहाँ से जो हमारी महक रहती है वो यहाँ से चली जाती है। अब उसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने रहते हैं, जैसे कि उसने बताया रहता है कि वो अब पहले तो ऑडिशंस लेगी, क्योंकि उसका उसको वहाँ पर टीम रहना चाहिए। तो उसे कोच सर बुलाते हैं और कोच सर वहाँ पे बोलते हैं कि तुमने लिस्टेड किया है कि नहीं, मतलब कौन से बच्चे खेलने हैं। तो उसे वहाँ पर देखती है, तो वहाँ पर क्रिकेट टीम रहती है। तो क्रिकेट टीम्स में सीनियर्स भी आते हैं, मतलब फोर थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर्स के बॉयज़ आते हैं। और वो क्रिकेट टीम दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक वुमेन्स क्रिकेट टीम होता है, एक मेंस क्रिकेट टीम होता है। तो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो उन लोगों के साथ काम पर लगी हुई रहती है और सर को बताती है कि ये टीम है, ये है, बंदे ऐसे हैं। फिर यहाँ पर जो हमारे सर रहते हैं वो ऑडिशंस लेने के लिए वो वहाँ पे कोऑर्डिनेट करके जाती है, सारे बंदों को बुलाती है, सब लोगों को बुलाती है। एंड देर इज़ अ मेम्बर, जैसे कि 12 लोग होते हैं एक टीम में, तो यहाँ पर दो टीम बनेगी बॉयज़ की और यहाँ पर दो गर्ल्स की टीम बनेगी। तो वो गर्ल्स को भी पूरा अरेंज करती है, पूरे बॉयज़ को बताती है। लेकिन वहाँ पर मेंबर्स जो रहते हैं वो 18 मेंबर्स होते हैं, उसमें से भी वो सर को सिलेक्शन करना रहता है कि कौन सा बंदा अच्छा खेलता है, कौन सा बंदा अच्छा नहीं खेलता। तो वो सारे अरेंजमेंट्स वहाँ पर करती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि युक्ति जब वापस आरुषि के पास जाती है तो वो कहती है कि वो हमें टेबल टेनिस के लिए जाना है, वहाँ पर हमें बोल कर गई थी महक कि वहाँ पर भी ऑडिशंस होंगे, तो उसके लिए सर ने नाम जिसका भी लिखवाया है उसमें से भी एक सेमी राउंड करके उसमें से अच्छे लोग करना है जो कल फाइनल्स खेलेंगे, तो हमें चलना है। तो युक्ति अपना सर हिला के बोलती है और चलती है। तभी यहाँ से वो जा रही रहती है, तभी आरुषि उसका हाथ पकड़ती है एकदम से, बोलती है कि क्या हो गया है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तो कहती है बात तो कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, अब इसके अलावा और मैं तुमसे क्या बात करूं आरुषि। एंड आई थिंक कि हमें अभी चलना चाहिए, मेरे पास वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो हमें करना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारा अक्षय रहता है और जो लक्ष्य रहता है, लक्ष्य उसके पास आता है अक्षय के पास और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है क्या हो गया, तू इतनी बात बुरी मान गया क्या उसकी। तो कहता है भाई बुरी नहीं मानी यार, उसने मुझे इतने बहुत गंदे तरीके से ऐसे मारा यार, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कहते हैं यार दोस्त है अपनी, अगर कुछ समझाने के लिए कुछ गलत तरीके से भी रिएक्ट कर रही है तो गलत तो नहीं है ना, कल मैंने तुझे भी यही चीज़ समझाई थी। तो कहता हाँ यार भाई मुझे समझ में सब कुछ आया, मैंने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। भाई अपनी बहन को बहन मानते हो तो दूसरों की भी बहन को बहन मानो, ये चीज़ बढ़िया है, मुझे समझनी चाहिए थी, बट ठीक है। तो कहता है चल अपन को यहाँ से फुटबॉल के लिए चलना है, फुटबॉल के लिए टीम के लिए अपन को अरेंज करना है, तो यार अपन को वहाँ पर देखना है, तो चलें। तो वहाँ से वो फुटबॉल के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो सारे अरेंजमेंट्स करने के बाद यहाँ से जो बाहर आती है, तो वहाँ पर और भी स्टूडेंट से काउंसलिंग मेंबर्स रहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट काउंसलिंग जो रहता है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर्स तीनों के मेंबर्स रहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ईयर्स के लोग जो सीनियर्स होते हैं हमारे महक के वो आते हैं, तो वो आकर से बोलते हैं कि हेलो, तो उसे बोलते हैं कि यस सर। तो कहते हैं कि ठीक है हम यहाँ से, यहाँ पे हम जो बाकी जो भी गेम्स है, लाइक चेस गेम है, चेस के बाद लॉन टेनिस है और ये जो वॉलीबॉल है, ये बास्केटबॉल है, ये सब हम अरेंज कर देंगे, तुम बाकी चीज़ों को अरेंज करो। तो कहती है ठीक है सर। तो ऐसे करके ना सबके सब वहाँ पे स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर्स इतने सारे रहते हैं, वो सब अरेंज होते हैं। फोर्थ ईयर के भी स्टूडेंट काउंसलिंग रहते हैं, बट वो द हेड ऑफ द मेंटोर्स रहते हैं, जिनका काम सिर्फ मॉनिटर करना होता है, जो वहाँ की एक्टिविटीज में काम नहीं करते हैं। उसका एक रीज़न होता है कि भाई वो फोर्थ ईयर वाले रहते हैं, वो अपना जो भी काम होता है वो सेंट्रलाइज नहीं रखते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, मतलब अपने काम को डाइवर्ट कर देते हैं थर्ड ईयर्स को और सेकंड ईयर को। तो सबसे ज़्यादा काम किसी के ऊपर सर पे रहता है तो सेकंड ईयर वाले के ऊपर होता है, उसके बाद थर्ड ईयर वालों के ऊपर रहता है, पर फोर्थ ईयर वाले सिर्फ मेंटोर्स रहते हैं, वो सिर्फ आकर आपको डांटेंगे, चीटेंगे, करेंगे, तो कुछ भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो करण रहता है वो बास्केटबॉल ये सब चीज़ों को मैनेज कर रहा रहता है, और जो फोर्थ ईयर वाले जो रहते हैं वो शांति रहते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, और क्योंकि उनका कैंपस सिलेक्शंस रहता है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, तो वो अपनी बाकी चीज़ों में लग चुके रहते हैं। और वो उनका जो एक और डिपार्टमेंट होता है स्टूडेंट काउंसलिंग में, कैंपस अरेंजमेंट्स, जो कैंपस आते हैं जॉब की, जो जॉब हायरिंग डिपार्टमेंट होता है उस पर वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बाकी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे सेकेंड और थर्ड ईयर्स को हैंडल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सारे काम हो रहे रहते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी तरफ हमारी मायरा रहती है,
वो जब कॉलेज जाती है तो वो शांति से बैठती है, अपनी क्लासेस अटेंड कर रही रहती है और उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तभी टीना उसे बोलती कि क्या हो गया, तू सर पे हाथ लेके क्यों बैठी है। कहती यार मुझे कल का पता है कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे इतना पता था कि मैं क्लब गई थी महक मैम के साथ, उसके बाद मुझे यहाँ से उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहती है तू महक मैम के साथ क्लब गई थी, पर महक मैम तो कभी क्लब वगैरह जाती नहीं है, शी इज़ नॉट यूज टू दैट। तो कहती है कि हाँ वो एक्चुअली आरुषि मैम जो थी ना, वो उनके लिए उनको वहाँ से लेने के लिए गए थे, तो मैंने थोड़ी सी जिद करी थी उनको और मैंने कहा था मैं यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती अपने रूम पर, तो इसलिए वो लेकर गई थी, बट उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तभी वो कहती तूने ड्रिंक वगैरह करी थी क्या। तो कहती है नहीं यार मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करती हूँ मायरा। तो कहती है देखिए हमें ये सब पसंद नहीं है, हम बहुत स्मॉल टाउन से आए हैं तो हम क्यों भला ड्रिंक वगैरह ये सब करेंगे, हमारी हमारे संस्कार हमें ये सब चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। तो कहते शायद से गलती से पी लिया होगा क्योंकि वहाँ पर ऑरेंज जूस में भी मिक्स करके दे देते हैं। तो कहते हैं हाँ हमने उस समय ऑरेंज जूस तो पिया था। तो कहती हाँ उसमें मिक्स करके दिया होगा इसलिए तेरा इतना सर बनना आ रहा है। वैसे तूने चेस पे कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया था ना। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है चेस का कॉम्पिटिशन है, चल वहाँ पर अपना नाम लिखवा और एक फर्स्ट राउंड हो रहा है उसमें से सिलेक्टेड लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा, उसके बाद काम होगा तो तू चल। तो वो कहती है ठीक है। तो यहाँ से वो जाते हैं और यहाँ से फटाफट वो भागते हुए जाती है, फिर वहाँ पर अपना नाम लिखवाती है तो वहाँ पर महक रहती है। महक उसे बोलती है कि मायरा तुम ठीक हो ना। तो कहती है कि पर मेरा सर अभी तक दुख रहा है। तो कहती है कि हाँ थोड़ा सर दुखेगा वो सही हो जाएगा, इधर आओ इधर बैठो यहाँ पर और ये पानी की बॉटल लो। और वो बहुत प्यार से बोलती है। तभी वो बोलती है टीना तुम्हें भी चेस पे खेलना है। तो कहती है कि हाँ मैम मुझे भी चेस का राउंड करना है। तो कहती है ओके यहाँ से वो फोर्थ वाली रो है उधर पे जाओ, वहाँ पर फर्स्ट राउंड होगा, अगर उसमें से जो भी जीतता है वो सिलेक्टेड टू द सेकेंड राउंड होगा। ओके कल फाइनल्स होगा इसका, लेकिन अब यहाँ से तुम वहाँ पर जाओ। तो कहती है ठीक है। तो वहाँ पर होता है तो कहती है कि मैम ये टाइमर्स है क्या। तो कहते हैं हाँ टाइमर है, 10 मिनट्स के अंदर तुम्हें ये गेम चेस का गेम ख़त्म करना है। तो कहती है ठीक है। तो वो वहाँ पर जाती है तो महक बोलती है कि वो बोलती है कि मुझे सच्ची में मेरा सर घूम रहा है। तभी वो उसे बोलती है कि रुको मैं तुम्हें साथ में लेके चल रही हूँ 1 मिनट। तभी वो वहाँ से एक और जो स्टूडेंट काउंसलिंग के और भी मेंबर्स होते हैं उसको बुलाती है, उसे कहती है कि यहाँ का 1 मिनट अरेंज करो, मैं 2 मिनट में इसे लेकर आती हूँ। वो वहाँ से हाथ पकड़ती है, उसकी कमर पे हाथ रखती है, उसे धीरे धीरे लेके जाती है, उसे बोलती है कि कल रात को तुमने ऐसे कोई भी तुम्हें ऑरेंज जूस दे उसको तुम ऐसे पियोगी क्या। तो कहती है अक्षय सर ने दिया था। तो कहते हैं कि वो तो बेवकूफ़ है ही, तुम्हें वॉमिट जैसा लग रहा है क्या। तो कहते हैं कि हाँ। तो कहती है चलो वॉमिट कर लो। तो उसे वॉमिट करवाने के लिए पीछे से उसके बैक को बहुत अच्छे से रब करती है और धीरे धीरे करती है, फिर उसको यहाँ से लेकर आती है, फिर वहाँ से आराम से करती है, फिर उसको वहाँ पर फेस वॉश कराती है, फिर अपना हैंकी निकालती है। महक उसके हैंकी से उसका फेस को बहुत प्यार से कर रही रहती है, लेकिन जब वो उसके फेस को ऐसे कर रही रहती है क्लीन तो उसकी नज़र उसके लिप्स की तरफ ही बहुत ज़्यादा जारी रहती है। और मायरा भी बस एक शांति से ऐसे ब्लैंक तरीके से ऐसे देख रही रहती है कि वो क्या बोले क्या नहीं बोले, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहता है। और उसके लिप के वहाँ पर वो ऐसे ऐसे टच कर रही रहती है और फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि लिप को टच करते करते वो अपना जो अंगूठा रहता है वो उसके वहाँ पर टच कर रही रहती है, मतलब लिप की तरफ। और वो जो काफ़ी एक्साइटिंग वाली फीलिंग्स रहती है, जैसे उसका मन कर रहा रहता है कि कल रात को जिस तरीके से उसने किस किया था वो करे। पर फिर एकदम से मायरा थोड़ा सा दूर होती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो मैं कहती है हाँ चलो। तो वो उसे वहाँ से एकदम से पकड़ती है और फिर उसे बोलती है। तो यहाँ पर मायरा के हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज होने लग गई थी और यहाँ पे महक को भी, मतलब महक के हार्ट बीट तेज नहीं हो रही थी लेकिन उसे ठीक लग रहा था। महक उसका हाथ पकड़ते उसे लेके जाती है और चेस का राउंड रहता है। फिर वहाँ पे जो फर्स्ट चेस का राउंड होता है तो जिसके चेस के राउंड में वो लोग कर रहे थे, फिर वहाँ पर महक जो रहती है मायरा को बिठाती है और उसे बोलती है कॉन्सेंट्रेट से करना, बिल्कुल फोकस से करना है, ठीक है आराम से खेलो। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारी जो आरुषि रहती है वहाँ पर वो टेबल टेनिस के लिए वहाँ खड़ी रहती है और वहाँ से युक्ति भी रहती है। तभी वो कोच वहाँ पर रहते हैं, उन कोच के सामने बोलती है कि ऐसे से ऐसे करना।
तो कोच वहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स बोलते करते हैं। यहाँ पे युक्ति और आरुषि को जैसे कि टेबल टेनिस के लिए, टेबल टेनिस के जो किट होता है वो लाया ला लाना रहता है। वहाँ पे सब अरेंजमेंट्स कराने थे, बंदे के नाम लिखने पड़ते हैं, पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं कि किसने कितना ज़्यादा टेबल टेनिस करी, वो सब ये लोग वहाँ पे कर रहे रहते हैं। पर आरुषि की नज़र एक बार युक्ति को बहुत ज़्यादा घूरते हुए दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर युक्ति जो थी वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। वो यहाँ पर उसे अवॉइड कर रही थी क्योंकि उसे गुस्सा था कि कल की बात के लिए। तभी यहाँ पर जो करण रहता है वो एकदम से आता है टेबल टेनिस के वहाँ पर, और आते से ही बोलता है, आरुषि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी युक्ति की पहली नज़र जो उठती है वो दिखती है, तो आरुषि कहती है कि सर क्या हुआ है? तो कहते हैं मैंने कहा यहाँ साइड पर आओ। तो वहाँ पर साइड पर जाते हैं, और साइड पर जाते से ही वो वहाँ पर बोलता है, क्यों कल तो तुम बहुत उछल रही थी, अपने दोस्तों को बुला के मेरी बेइज्जती करानी थी तुम्हें वहाँ पर। और ऐसे करके उसका हाथ पकड़ लेता है, उसका हाथ मरोड़ रहा रहता है पीछे की तरफ, और यहाँ पर इस तरीके से वो कर रहा रहता है और कहता है, तो वो कहती है सर मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था, मैं तो इवन आपके कहने पर आई भी थी, बट आप मुझे मेरी मर्जी के बिना मुझे किस नहीं कर सकते हैं। आरुषि ऐसे बोल रही रहती है। तभी वो उसे बोलती है कि क्या मर्जी के बिना किस नहीं कर सकते हैं, तुम्हें मैं लेकर क्यों गया था, किस चीज़ के लिए लेकर गया था वहाँ पर मैं तुम्हें। और ऐसे करके ना वो एक कॉर्नर पे रहते, आरुषि को एकदम से पेन हो रहा था, वो कहती है सर मेरा हाथ छोड़िए मुझे पेन हो रहा है, सर आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। तभी यहाँ से जो युक्ति होती है वो एकदम से उसके बैक पे इतनी जम के मुक्का मारती है जिसमें करण अपना हाथ छोड़ता है, उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है यू सच आ। तभी उसे कहती है कि अगर मेरे पे आने की भी कोशिश करी पूरे कॉलेज में तुम्हें पूरे तरीके से इंसल्ट करूँगी, और याद रखना मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना। हाँ हम अगर शांति से बैठे, और क्या क्या लेकर क्या गए थे वो तुम्हारे साथ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अकेलापन जो था, तुमने कहा था कि उसको एक पार्टनर चाहिए, उसका ये मतलब नहीं था कि उसने तुम्हें ये चीज़ के लिए कंसर्न दे दिया है कि वो तुम्हें किस करने के लिए अलाउ कर रही है, इट इज़ नॉट। और इस तरीके से हाथ पकड़ना ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत कुछ कर दूंगी। यहाँ पर युक्ति के अंदर डर भी रहता है क्योंकि वो एकदम चुलबुली सी लड़की रहती है यार, लेकिन जब अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड लेने की बारी आती है तो वो लड़ रही रहती है, जो उसके उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसे डर भी लग रहा रहता है। तभी वहाँ से पीछे से वो एकदम से युक्ति को भी एकदम उसके युक्ति का गला पकड़ने के लिए वो आ ही रहा रहता है। तभी वहाँ से अक्षय आ जाता है, अक्षय उसका हाथ पकड़ के बोलता है सुन ज़्यादा अपनी दादागिरी ना लड़कियों पे मत दिखा, इतना हिम्मत है ना तो इधर पर आ, तूने कल जो किया ना उसके लिए मैं देख रहा था हरकतें, उस दिन तूने मुझे ज्ञान दिया ना कि मैंने मायरा का हाथ पकड़ा था, मैं मायरा को खाने के लिए बोल रहा था उसकी मर्जी के बिना, तू तो साले किस करने की बात कर रहा था, तूने क्या सोचा कि मैं अपना मौका छोड़ दूंगा ज्यादा ही दादागिरी दिखाने, तो चल आ। उसका वो सर पकड़ता है और उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे मारता है, उसे बोलता है चल अब यहाँ से, वो उसे खींच के ले जाता है। युक्ति वहां पर बोलती है कि अक्षय मत कर, अक्षय चीजों को मत कर। तभी वहां पर करण बोलता है सुन, इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है और करण और अक्षय के बीच में कोई भी नहीं आता, दोनों एक दूसरे को मुक्के मारते हैं यहाँ पर। तभी एकदम से मुक्के मुक्के मारते टाइम यहाँ पर ना एक बच्ची, एक जो लड़की होती है वो फटाफट दिखती है, और टेबल टेनिस के ये यहाँ से भागते हुए वो जाती है महक के पास। महक को पता चलता है तो महक बोलती है साइलेंस यहाँ पर रखो मैं आती हूँ। यहाँ पर महक यहाँ से भागते हुए जाती है और दोनों के बीच में आके इसे धक्का देके बोलती क्या कर रहे हो तुम लोग? तो कहते करण कल रात जो आपने किया ना उसके लिए मैं आपको बहुत कुछ करवा सकती हूँ, और अक्षय किसी भी चीज़ पे उंगली उठाने से पहले खुद का भी देख लेना चाहिए, तुम दोनों यहाँ से निकलो। और दोनों को ऐसे जोर से चिल्ला के वहाँ से कल्टी मारती है। तभी यहाँ से युक्ति जो रहती है आरुषि के पास आती है, आरुषि की आंखों में से आंसू निकल रहा रहता है, और तभी महक कहती है आरुषि को फ्रस्ट्रेट करवा, तो कहती है ठीक है। तभी ये दोनों यहाँ पर होते हैं और कहते हैं भाई बाद में निपट लेंगे। तभी वो कहते हैं कि ऑन द रिकॉर्ड्स, या फिर ये बोले कि इन द कॉलेज, वो लोग ये नहीं बोलते, वो लोग बोलते कि हम तुझे बाहर देख लेंगे, क्योंकि कॉलेज में तो यार ये स्टूडेंट काउंसिल वाले रहते हैं तो ये अरेंज कर सकते हैं, लेकिन बाहर की लड़ाई बाहर लड़ना रहता है क्योंकि ये लोग कॉलेज वाले भी रहते हैं। यहाँ पर जो महक रहती है वो भागते हुए जाती है, तो वहाँ पर वो देखती है कि जो जो चेस कॉम्पिटिशन्स है
वो काफ़ी ज़्यादा टफ चल रहा है। और यहाँ पर ना जो मायरा है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है। तभी वो सोचती है वो क्या करे, तभी वो अपनी आंखें बंद करती है 2 सेकंड्स के लिए और सोचती है कि अगर ऐसा करूँगी तो ये होगा। तो मायरा इस चीज़ में काफ़ी अच्छी रहती है और वो चेस कॉम्पिटिशन जीत जाती है। जैसे ही वो चेस कॉम्पिटिशन जीतती है वो एकदम से कूदने लगती है और महक वहाँ पर आती है तो महक को पता नहीं रहता है कि वो कितना टफ कॉम्पिटिशन था, क्योंकि वो देख ही नहीं पाती है, क्योंकि वो यहाँ की जो भसड़ होती है इसको सही करने चली जाती है। तभी यहाँ से आते से ही मायरा सबके सामने उसे हक करती है और कहती है मैं आई विन। और सर कहते हैं व्हाट अ टफ कॉम्पिटिशंस, हैट्स ऑफ, और ऐसे करके वहाँ पर क्लैप करने लग जाते हैं और बोलते क्लैप फॉर एवरीवन। जब ये चेस का वहाँ का जो चेस कोच होता है वो ये कहता है तो भाई सबसे बड़ी बात होती है। वो एकदम से खुशी से कूद रही रहती है और कहती ये वो, महक के उसने टाइटली हक किया रहता है और खुशी से कूद रही रहती, कहती थैंक यू सो मच। और अनजाने में ही वो इतनी खुश रहती है कि उसके गालों पर किस कर देती है। यहाँ पर महक उसे बोलते काम डाउन, चलो चलो यहाँ से, तुम यहाँ से जाओ और चीज़ें करो। तभी वहाँ से टीना कहती है कि मैं भी जीत गई। टीना और यहाँ से जो महक टीना और जो मायरा रहते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं और सबके सब महक की तरफ ऐसे घूर के देख रहे रहते हैं। अब महक जो रहती है वो ऐसे नॉर्मल रिएक्ट करती है, व्हाट्स अ बिग डील ऐसे करके, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही रहती है। उसके गाल एकदम से लाल हो जाते हैं, उसको ब्लश कर रही रहती है वो, उसके गाल इतने ब्लश होते हैं क्योंकि जिस तरीके से उसने किस किया वगैरह। और सर भी उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहे थे कि भाई मतलब महक को आज तक कोई टच भी नहीं कर पाया, कोई उसके हक करने से भी पहले उससे परमिशन लेनी पड़ती है, और ये मायरा उसके ऊपर कूद गई थी। और महक ने गुस्सा नहीं किया, शी रिएक्ट अ वेरी नॉर्मल वे, वेरी वेरी नॉर्मल वे, और वो उस तरीके से खड़ी हुई। तो ये एक बहुत अलग सी चीज़ थी जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी और मतलब सोच भी नहीं सकते थे कोई, तो सर भी एकदम शॉक्ड होते हैं, तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है और यहाँ से जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी प्यारी सी ये हमारी युक्ति रहती है वो आयुषि को वहाँ बिठाती है और वहाँ से फर्स्ट एड लेकर आती है, और उसके हाथ में जो उसके हाथ को उसने बहुत टाइटली पकड़ा रहता है ना, उस ऑयलमेंट को वहाँ पर लगा दी रहती है और कहती है कि दर्द हो रहा है। तो वह कहती है कि नहीं, उससे ज़्यादा दर्द ये हो रहा है कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। युक्ति उसी तरफ देख के बोलती है कि आयुषि बात करने के लिए क्या है, इट्स योर लाइफ, इट्स योर थिंग्स, तुम कुछ भी करना चाहो कर लो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि तुम क्या कर रही हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम गलत इंसान के साथ कर रही हो। तुमने पहली चीज़ तो तुम्हें वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था, और दूसरी चीज़ कर लिया तो उसके बाद तुम्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था। तो तुम क्या हो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो मुझे क्या आएगा। तो कहती है गुस्सा भी आ रहा है और प्यार भी आ रहा है सेम टाइम। युक्ति कहती है किसने कहा मुझे प्यार आ रहा है तुम पे, मुझे सिर्फ गुस्सा ही है तुम पे। तो उसे कहती है प्यार नहीं आता तो तुम मुझे इतने प्यार से ऑयलमेंट नहीं लगाती, प्यार नहीं आता तो तुम मुझे वहाँ पर प्रोटेक्ट करने नहीं आती, गुस्से में कभी भी किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है युक्ति, प्यार से ही प्रोटेक्ट किया जाता है, और तुम्हें प्यार है तभी तो तुम आई हो। युक्ति कहती है तुम फालतू की बातें कहाँ से कर रही हो, और ये बोलकर ना वो ऑयलमेंट का ढक्कन लगाती है वहीं पर रखती है और उठ के जा रही रहती है। तभी यहाँ से आयुषि उसका हाथ पकड़ती है, उसे खींचती है और उसे अपने कमर के पास लाती है, उसे बोलती है क्यों तुम्हें प्यार नहीं है। हाँ युक्ति बस अपने समझ ही नहीं पाती कि वो क्या जवाब दे। आयुषि उसे बोलती है मेरे मोबाइल अपने मोबाइल पे सारी पिक्स मेरी रखना, कैंडी पिक्स रखना, मेरी सबसे ब्यूटीफुल पिक्स रखना, सब कुछ। जेलेसी का लेवल हाई है तुम्हारा जब मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी कि तुम्हें कितना बुरा लगता है, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दी थी, और मैं तुम्हें सिर्फ जेलस फील कराना चाहती थी, बट वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई, उसने मेरे साथ जो किया वो गलत था, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि तुम काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही हो। प्यार नहीं है तो फिर जेलसी का क्या मतलब, और प्रोटेक्टिव मेरे लिए, चोट मुझे लग रही है बट मेरे पास बार बार आना, मेरा ख्याल रखना, क्या है युक्ति,
इस सारी चीजों का जवाब तो दो। तुम्हें दूसरों का प्यार दिख जाता है, दूसरों की आंखों का लव दिख जाता है, तुम्हें मायरा के लव दिख जाता है महक के लिए, तो क्या तुम्हें खुद की फीलिंग समझ में नहीं आती? युक्ति उसके दूर होती है, कहती है तुम थोड़ा सा अपना इलाज कराओ, तुम सही नहीं हो, और ऐसे कह के वो वहां से भाग जाती है। जैसे वो भागती है तो यहाँ पर भागते हुए जाती है तो महक से एकदम से टकरा जाती है। महक उसको बोलती है कि कहाँ भाग रही है तू? तो कहती है यार कुछ नहीं, बस मेरा थोड़ा सा दिमाग ठीक नहीं है। तो कहती है क्या हो गया? तो कहती है पता नहीं, आरुषि कुछ भी चीजें बोल रही थी। छोड़ो तुम। अच्छा क्या बोल रही थी वो? तो कहती है यार कुछ नहीं। अच्छा वो फुटबॉल के लिए तो अपन ही जा रहे हैं ना, तू तो लॉन्ग टेनिस के लिए भी तो जाएगी ना? तो कहती है कि हाँ लॉन्ग टेनिस का कल मैच है, मैं कल लॉन्ग टेनिस खेलूंगी, अभी तो नहीं, अभी फुटबॉल का है, सर ने बुलाया है फुटबॉल के लिए, तो करते हैं फुटबॉल का मैच। तो कहती है ठीक है चलो फिर फुटबॉल के मैच के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल का मैच होता है और फुटबॉल के मैच के लिए यहाँ पे जूनियर्स वगैरह सब सीनियर्स सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोच बोलता है इतने सारे लोग, दो टीम में डिवाइड करते हैं। तो तभी तभी आरुषि आती है, क्योंकि आरुषि भी बहुत अच्छी रहती है फुटबॉल पे, और ये लोगों की तो पहले भी टीम थी क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी एनुअल स्पोर्ट्स हुआ था, तो आरुषि महक और युक्ति ये लोग फर्स्ट ये टीम में रहते हैं। तभी वो उसे बोलते हैं कि टीम तो एज इट इज तुम्हारी, तीन लोग तो हो और किसको लेना है, जूनियर्स को भी इस बार तुम्हें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए टीम ए रहती है और टीम बी रहती है। तो जैसे टीम बी सामने खड़ी रहती है तो यहाँ पर जो टीम ए रहती है वो बोलती है कि मायरा को मैं लेना चाहती हूँ, तो वो मायरा को ले लेती है और टीना को भी ले लेती है। अब यहाँ पर इन लोगों के मेम्बर्स डिसाइड हो जाते हैं। अब ये लोग फुटबॉल कर रहे रहते हैं, फुटबॉल की प्रैक्टिस, तो यहाँ पर जो वो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे रहते हैं तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि मायरा के पास बॉल जाती है तो मायरा उसे मारती तो है लेकिन उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं मारती है। तो यहाँ पर कोच बोलता है कि दिस यंगस्टर्स ये जो हैं इन लोगों को तुम ज़रा सा ट्रेनिंग दो। तो यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है। तो यहाँ पर जब मैच चल रहा रहता है तो यहाँ पर दो गोल्स ऐसे रहते हैं, तो यहाँ पर युक्ति महक और क्या बोलते हैं आरुषि सब बहुत अच्छा खेल रहे रहते हैं। एक दो बार तो ऐसा हो जाता है कि युक्ति को एकदम से चोट लग जाती है और चोट लग मतलब ऐसे पैर से वो फिसलती है, युक्ति गिरती है तो आरुषि के ऊपर गिरती है और आरुषि उसे बहुत कंसर्न करती है और उसकी आंखों में देखते हुए उसे विंग कर देती है और उसके थोड़े से लिप के करीब आने की कोशिश करती है। युक्ति काफ़ी ज़्यादा डर जाती है उसकी ये टीजिंग से और थोड़ा सा दूर हो जाती है। और फिर पूरी फुटबॉल का मैच में ये लोग मज़े ले रहे रहते हैं। युक्ति यहाँ पर सहमी हुई सी रहती है और आरुषि अपना बोल्ड नेचर दिखा रही रहती है उसके ऊपर करने के लिए। महक जो रहती है वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहती है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों से, क्योंकि वो मायरा के पास जब बॉल जा रही रहती है तो उसे वो उसको बोलती है कि उसे पास करो और वो वहाँ से पास कर रही थी। गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा रहता है, बहुत मस्त गेम चल रहा रहता है दोनों के बीच में और ये लोग उस तरीके से जीत भी जाते हैं। तो इस तरीके से इस टीम के जितने भी मेम्बर्स होते हैं वो उस मेम्बर्स को सिलेक्ट होते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी आरुषि रहती है वो देखती है कि युक्ति जो है वो उसके पास आ रही रहती है, और तो यहाँ पर जो आरुषि रहती है कि वो वहाँ से थोड़ा दूर चली जाती है कॉरिडोर के वहाँ पर। तभी युक्ति कॉरिडोर के वहाँ पर जाती है और आरुषि उसको खींच के एकदम से दीवार से लगा के बोलती है मुझे ही ढूंढ रही हो? तो युक्ति कहती है कि हाँ तुम इस तरीके से अटैक क्यों कर रही हो मुझ पर? तो कहती है किस तरीके से अटैक करूं फिर? तो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ठीक तो हो ना आरुषि? तो कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम मुझे टीज क्यों कर रही थी उस समय, तुम मुझे विंग्स कर रही थी, तुम मुझे फ्लाइंग किस क्यों दे रही हो? तो उसे कहती है तुम्हें नहीं पता मैं क्यों दे रही हूँ? तो उसे कहती है यार तुम छोड़ो मुझे, और ऐसे करके वो धक्का दिखे वहां से भाग जाती है। आगे जाके युक्ति को भी थोड़ा सा स्माइल और उसके अंदर थोड़ी सी एक स्माइल होती है उसके फेस पे और वो अपनी हार्ट बीट को ऐसे देख रही रहती है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीट हो रहा रहता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारा
मायरा रहती है वो फुटबॉल के साथ ऐसे खेल रही रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो महक रहती है उसको कुछ ज़रूरी काम आ जाता है, वो चली जाती है क्योंकि कोच उसे बुलाता है, तो वो वहाँ पर चली जाती है। तो वो यहाँ पे फुटबॉल कर रही रहती है, तभी यहाँ पर जो हमारा बॉयज़ की टीम को तो वही देख रहा रहता है अक्षय और लक्ष्य। तो अक्षय यहाँ पर आता है और बोलता है कि मायरा ऐसे नहीं खेलते हैं, ऐसे करते, फुटबॉल का होना चाहिए। तो वो उसकी ना कमर को टच कर रहा रहता है, उसकी लैग को वहाँ से पोजिशंस को फिक्स करते हुए दिखाने के लिए। ये बात जो रहती है महक देख रही रहती है, और महक की आंखों में जो गुस्सा रहता है वो अपने पीक पॉइंट पे रहता है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, कि वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या करेगी, ये सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।